दोस्तों, बॉलीवुड सितारे हमेशा से ही डॉन दाऊद इब्राहिम की महफिल में रंग भरते हुए नजर आते रहे हैं। इसे चाहे आप दाऊद की दोस्ती कहें या फिर उसका डर, एक समय था जब कोई भी फिल्मी सितारा दाऊद की महफिल में जाने से मना नहीं कर सकता था। अक्सर बॉलीवुड के सभी सितारों की दाऊद के साथ ली गई सभी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। इसमें बड़े से लेकर छोटे तक सभी एक्टर्स का नाम शामिल है, क्योंकि दाऊद उन सभी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता था। लेकिन बॉलीवुड में दाऊद को कोई भी हीरोइन पसंद आ जाती थी तो वो उसके लिए तड़प तड़प कर मचल उठता था और वो उसे पाने के लिए पूरा जोर लगा देता था, चाहे फिर उसे धमकाना पड़े या फिर पैसा देना पड़े। ऐसी ही एक हीरोइन थी मंदाकिनी, जिस पर दाऊद की गंदी नजर पड़ गई। उसने उसके साथ भी संबंध जोड़ लिए। दरअसल उस समय मंदाकिनी बॉलीवुड की नई फेमस और खूबसूरत अदाकारा बन चुकी थी। फिल्म राम तेरी गंगा मैली से काम शुरू करने वाली मंदाकिनी उस समय मात्र 16 वर्ष की थी, लेकिन अपने अभिनय और खूबसूरती की वजह से उसने सभी लोगों और दाऊद का मन मोह लिया था। उस समय खबरें आने लगी थी कि मंदाकिनी के दाऊद के साथ पति पत्नी जैसे संबंध हो चुके हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे कि वह दाऊद की रखेल बनकर रह रही हैं और दाऊद जब चाहे उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मंदाकिनी नजीर दाऊद के साथ काफी समय से दुबई में रह रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बारे में चर्चाएं होने लगी थी। कहा तो ये भी जाता है कि मंदाकिनी बॉलीवुड में बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, लेकिन उसने अपनी जिंदगी शाहनो शौकत के साथ बिताने के लिए दाऊद से संबंध बनाए। लेकिन उन दोनों के बीच असलियत में क्या संबंध थे, ये तो मंदाकिनी और दाऊद ही बता सकते हैं, क्योंकि बाद में मंदाकिनी ने तिब्बत के एक डॉक्टर से शादी कर ली थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मंदाकिनी और दाऊद के आपस में नाजायज संबंध थे? प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।